वंश शर्मा न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे आईपीएल की धमाकेदार खबरों की। जी हाँ, कल रात कुछ ऐसा हुआ आईपीएल के मैच के दौरान जिसके बाद जो बॉलर है उसे बॉलिंग डालने का मौका नहीं मिला। और उससे पहले कुछ खास बातों पर गौर करते हैं कि आरसीबी ने किस तरह अपनी सदी हुई शुरुआत करी, उसके बाद जो धमाका हुआ आंद्रे रसेल का। आरसीबी ने अपनी शुरुआत करने से पहले 4 मैच हार चुकी थी और उसके बाद 5वां जो मैच कल खेला गया उसमें उसे जीत बहुत जरूरी थी, लेकिन केकेआर ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। शुरुआत करते हैं विराट कोहली और पार्थिव पटेल से। पार्थिव पटेल ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन बनाए और कप्तान विराट कोहली ने 84 रन बनाए 49 गेंदों का सामना करते हुए, 2 छक्के मारे इसमें उन्होंने। एबी डिविलियर्स जब आए तो पार्थिव पटेल के आउट होने के बाद शुरुआत में उन्होंने शुरुआत काफी धीमी करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 63 रन मारे 5 छक्कों की मदद से, जिसमें उन्होंने केवल 32 गेंदों का सामना किया। जब कुल मिलाकर आरसीबी 205 रन का एक बड़ा टारगेट सामने रख दिया कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआत करी उन्होंने काफी धीरी शुरुआत थी, लेकिन जब आखिरी 3 ओवर में जब उन्हें 53 रन की जरूरत थी उस समय बैटिंग करते आंद्रे रसेल, जिसके तूफान में पूरा आरसीबी उड़ गया। आंद्रे रसेल जब बैटिंग करने आए 18वें ओवर में उन्होंने 23 रन ठोके, उसके बाद उन्होंने 19वें ओवर में 29 रन ठोके, उसके बाद कोलकाता पूरा मैच जीत गया, जिसकी वजह से उन्होंने 13 बॉल में केवल 48 रन ठोक दिए जिसमें 7 छक्के शामिल थे। कोहली का भी बड़ा बयान आया, आंद्रे रसेल ने पूरा मैच पलट दिया जिसकी वजह से केकेआर इतना मजबूत हो गया है। अब केकेआर पॉइंट टेबल में 2 नंबर पर चल रहा है और आरसीबी लास्ट नंबर पे चल रहा है, 8वें नंबर पे चल रहा है। इसका मतलब आरसीबी को अब लगातार सारे मैच जीतने होंगे अगर उसे प्लेऑफ की दौड़ में जाना है। तो आज आईपीएल के मैचों की बात करें तो आज 2 मुकाबले होंगे, पंजाब से भिड़ेगा चेन्नई सुपर किंग और उसके बाद मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी हैदराबाद की टीम। देखने वाला मैच होगा चेन्नई वर्सेज पंजाब, क्योंकि पंजाब के कप्तान आर अश्विन वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं और चेन्नई के खिलाफ आज चेन्नई में मुकाबला है, तो देखने वाली बात होगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए आई न्यूज़ इंडिया पर।